हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे। बच्चों मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो पढ़ाई कैसी चल रही है सर? बस चल रही है सर, लेकिन डर लग रहा है सर। कोई बात नहीं बेटा, पहला प्रोफेशनल एग्जाम है, डर तो बनता है यार। आराम से, काम माइंड से आगे चलते हैं। आज बच्चों मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ MTP की सीरीज 1 की, बिजनेस लॉज एंड BCR की अवेटेड वीडियो थी। वैसे तो लॉजिकली तो ये MTP आपको खुद से 3 आवर्स का टाइम लगाकर, जी हाँ 3 आवर्स का टाइम लगाकर खुद से बैठकर सॉल्व करनी चाहिए लिखकर, तब जाकर मजा आएगा। क्योंकि अगर आप सीधा, मैंने कई बार क्लास में भी बोला है कि अगर आप सीधा क्लास एग्जाम में जाकर पहली बार 100 मार्क का पेपर सॉल्व करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका पेपर जो है वहां जाकर छूट जाएगा। और इसीलिए ये मॉक टेस्ट पेपर या आप पिछला पेपर, पिछला प्रीवियस ईयर का जो अटेम्प्ट का पेपर है वो उठाकर प्रिंट कर अगर 3 आवर्स लगाकर सॉल्व करते हैं बिजनेस लॉस एंड BCR का, तो आपका माइंड ट्रेन होगा कि भैया आप कहां पर लैग कर रहे हैं, किस तरह से उस 3 घंटे को यूटिलाइज करना है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट ठीक है, चलिए कुछ बच्चे कहां सर की बात सुनते हैं भाई। कुछ बच्चे कहते हैं पढ़ाओ भाई पढ़ाओ। चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं सेशन को। सेशन बहुत ही ईजी है बेटा। अगर आपने हमारी क्लासेस देखी हैं, अगर आपने जो क्वेश्चन बैंक हमने आपको प्रोवाइड किया था, अगर आपने वो गलती से खोलकर देखा होगा, या जो हमने क्लास में DPPs में डेली क्वेश्चन में होमवर्क आपके डाला करते थे, अगर आपने वो DPP के क्वेश्चंस करे होंगे, तो फिर आपको ये जो पेपर आया होगा, आपको लग रहा होगा अरे यार इसमें तो सब कुछ देखा देखा ही लग रहा है, कुछ ऐसा नया नहीं मिल रहा है एक्सेप्ट 1-2 क्वेश्चन। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है भैया मिस्टर आयुष का। मिस्टर आयुष एक प्रिंसिपल हैं, ओके जी, मॉडर्न पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल है। ही नीड्स 2000 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू स्टूडेंट इन हिज स्कूल ऑन द ओकेशन ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पे भैया बांटना चाहते हैं बिस्किट्स। फॉर दिस पर्पस, इसीलिए इन्होंने योगराज बिस्किट कंपनी को क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया उनके साथ। मिस्टर आयुष जो हैं वहां जाकर उनकी वर्कशॉप विजिट करके आए और उन्हें बिस्किट्स की क्वालिटी एकदम बढ़िया लगी, सेटिस्फाई हो गए। ही ऑल्सो फाइंड आउट कि लार्ज नंबर, उनकी जो वर्कशॉप थी वहां पर मल्टीपल टाइप के बिस्किट्स मैन्युफैक्चर होते थे और उन्होंने क्या ऑर्डर प्लेस किया, 2000 पैकेट्स का ऑर्डर प्लेस किया और साथ ही साथ टोकन मनी यानी एडवांस मनी कुछ 10% 15% वो भी प्रोवाइड कर दी। बट वो ये बताना भूल गए कि इतनी सारी कैटेगरीज में से उन्हें कौन सी कैटेगरी का बिस्किट चाहिए। योगराज बिस्किट कंपनी डिड नॉट सप्लाई द बिस्किट्स ऑन द ड्यू डेट। जब वो एक्चुअल डिलीवरी डेट आई तो योगराज वालों ने बिस्किट प्रोवाइड किया ही नहीं। मिस्टर आयुष ने यहां पर योगराज के ऊपर केस फाइल कर दिया कंपनसेशन के लिए कि आपकी वजह से नुकसान हुआ है, मेरी स्कूल की रेपुटेशन खराब हो गई, बच्चे आए थे हम बिस्किट नहीं बांट पाए। आपको बताना है रीजंस के साथ कि क्या ये लायबल है अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्या ये कंपनसेशन पे करने के लिए लायबल है या ये कंपनसेशन पे करने के लिए लायबल नहीं है। तो यहां पर बेटा आप एक आंसर इससे भी कर सकते हैं कि ऑफर वाले पॉइंट में हमने एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर में पढ़ा था कि भैया ऑफर जो होना चाहिए वो सर्टेन होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए एंड वेग नहीं होना चाहिए। या वाइड एग्रीमेंट की लिस्ट में भी मैंने आपको बताया था कि एग्रीमेंट में अगर आप एग्रीमेंट कर रहे हैं वो सर्टेन डेफिनेट नॉट वेग होना चाहिए, उस केस में आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, अदरवाइज आपका जो होता है वॉइड एग्रीमेंट माना जाता है। क्योंकि यहां पर हमने वैरायटी ऑफ बिस्कुट नहीं बताया था तो यहां पर अनसर्टेनिटी थी और अनसर्टेनिटी के केस में एग्रीमेंट वॉइड होगा, वॉइड केस में एक दूसरे के ऊपर कोई भी केस करके कंपनसेशन नहीं लिया जा सकता। बट क्या ये टोकन मनी रिटर्न होनी चाहिए? बिल्कुल ये टोकन मनी रिटर्न होनी चाहिए। तो यही बात है, पहले उन्होंने प्रोविजन लिख दिया, फिर उसने केस लिख दिया, फिर ऑन द बेसिस ऑफ अबव प्रोविजन एंड फैक्ट्स इट कैन बी सेड दैट द एग्रीमेंट वाज नॉट इनफोर्सेबल, यानी एग्रीमेंट वाज वॉइड, एग्रीमेंट वाज वॉइड बिकॉज ऑफ द वांट ऑफ सर्टेनिटी, बिकॉज मिस्टर आयुष ने क्या नहीं बताया था, टाइप्स ऑफ बिस्किट्स नहीं बताए थे। तो योगराज बिस्किट कंपनी इज नॉट लायबल टू पे एनी कंपनसेशन टू मिस्टर आयुष, नॉट लायबल टू पे एनी कंपनसेशन। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 1B। पारसनाथ इंफ्रा हाइट लिमिटेड एक कंपनी है जो कि पब्लिक कंपनी है,
जिसके 215 मेंबर्स है। क्या पब्लिक कंपनी के 215 मेंबर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, मिनिमम 7, मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है। 215 मेंबर में से 20 मेंबर कंपनी के एम्प्लॉय थे। कौन से पीरियड में एम्प्लॉय थे? लेट्स चेक। वो एम्प्लॉय थे 1 जून 2021 से लेकर 30 जून 2023। इस पीरियड के बीच वो क्या थे? एम्प्लॉय थे। उन्हें कंपनी के शेयर्स कब मिले थे? उन्हें कंपनी के शेयर्स मिले थे 1 अप्रैल 2017। यहां पर उन्हें कंपनी के शेयर्स मिले थे, मतलब वो एम्प्लॉय कब बने, मेंबर कब बने थे? मेंबर यहां पर बने थे, मेंबर यहां पर बने थे, और यहां पर क्या बने थे? यहां पर एम्प्लॉय बने थे, और यहां पर जब उन्होंने जॉब छोड़ दी तो वो क्या बन गए? एक्स एम्प्लॉय बन गए। ओके सर, अच्छा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब विच वर हेल्ड बाय, कब तक? टिल टुडे। विच वर हेल्ड बाय देम टिल 31st October 2023। नाउ कंपनी वॉन्ट्स टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अ प्राइवेट कंपनी। अब एक पब्लिक कंपनी अपने को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना चाहती है। इसका एक डिटेल्ड प्रोसीजर होता है, बट प्रोसीजर तो हमारे सिलेबस में नहीं है कि एक पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी कैसे कन्वर्ट करा जाता है, उसका डिटेल्ड प्रोसीजर क्या है। लेकिन आपको यह पता है कि यानी अगर पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, यानी वो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में वो 3 रेस्ट्रिक्शन डालने जा रही है जो पहले उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नहीं थी, ठीक है। ओके सर, आपको रीजन के साथ बताना है कि क्या ये कंपनी को अपने मेंबर्स रिड्यूस करने पड़ेंगे या नहीं करने पड़ेंगे। बिकॉज अगर एक पब्लिक कंपनी है, 215 मेंबर है, तो क्या उसे 200 तक अपने मेंबर ले जाने पड़ेंगे या नहीं। देखो प्राइवेट कंपनी के केस में ना, वैसे तो मैक्सिमम मेंबर्स जो होते हैं 200 होते हैं, लेकिन ज्वाइंट शेयर होल्डर को 1 काउंट किया जाता है और करंट एम्प्लॉय को काउंट नहीं किया जाता है, और एक्स एम्प्लॉय को भी काउंट नहीं किया जाता। लेकिन एक्स एम्प्लॉय को यहां पर फॉर्मर एम्प्लॉय बोला जाता है। सो फॉर्मर एम्प्लॉय को तब काउंट नहीं किया जाता अगर वो शेयर होल्डर बनता है ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट। अगर वो इंसान ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, देखो जॉब यहां से स्टार्ट हुई थी, यहां तक थी, अगर वो इस बीच में शेयर होल्डर बनता है तो उसे काउंट नहीं किया जाता, भले ही उसने यहां पर जॉब छोड़ दी, वो कंटिन्यू कर रहा है। बट इस केस में अगर आप ध्यान देखेंगे, वो मेंबर एम्प्लॉयमेंट के दौरान नहीं बना था, वो मेंबर एम्प्लॉयमेंट से पहले था। तो क्या ऐसे एम्प्लॉय को काउंट किया जाएगा मेंबर्स में? यस। और क्योंकि इन्हें किया जाएगा तो पब्लिक कंपनी के मेंबर 215 माने जाएंगे, यानी हमें 15 मेंबर्स पहले कम करने ही पड़ेंगे, तभी ये कंपनी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो पाएगी। तो पहले उन्होंने डेफिनेशन लिखी कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसके शेयर कैपिटल, जिसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में भी प्रिस्क्राइब्ड होती है, जिसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में 3 कंडीशन लिखी होती है, जिसकी शेयर होल्डिंग की काउंटिंग में ये 3 बातें होती है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, इन द गिवन प्रॉब्लम 20 मेंबर्स वर एम्प्लॉयज बट दे वर नॉट एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ गेटिंग मेंबरशिप। जब वो मेंबर्स बन रहे थे उस टाइम पे वो एम्प्लॉय नहीं थे, और इसीलिए ठीक है, hence they will be considered as member for the purpose, और इसीलिए हम इन्हें 200 members की counting में count करेंगे। hence taking into account the provision of section 2 clause 68 the company is required to reduce the number to 200। company को 15 members कम करके 200 की limit में लाना पड़ेगा, तभी ये public company private company में convert हो सकती है। next बेटा direct question आ गया, risk prima facie passes with the properties का, तो हमने आपको example भी दिया था अंडे वाला, yes or no? yes sir, दे रखा है। section 26 की बात करता है बेटा, sale of goods act से रिलेट करता है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में यह बोला जाता है कि जब तक प्रॉपर्टी गुड्स ट्रांसफर नहीं होती सेलर से बायर तक, तब तक रिस्क सेलर का होगा, और जैसे ही सेलर से बायर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है तो रिस्क किसका होगा? बायर का होगा। लेकिन इसका एक्सेप्शन मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर डिलीवरी में डिले हो जाता है, या तो सेलर की गलती से या बायर की गलती से, जो भी पार्टी इन डिफॉल्ट होती है उसका रिस्क होता है कितने तक? जितना उस डिलीवरी की डिले की वजह से लॉस हुआ है। लेकिन बेली की ड्यूटीज और राइट्स पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता, अगर बेली वाला पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। चलिए, तो रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद द प्रॉपर्टी, दैट इज सेक्शन 26 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26,
अनलेस अदरवाइज एग्रीड, यानी अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और एग्री नहीं करा है, द गुड्स रिमेन एट द सेलर्स रिस्क, द गुड्स रिमेन एट द सेलर्स रिस्क अंटिल द प्रॉपर्टी देयर इन इज ट्रांसफर्ड टू द बायर, यानी अंटिल द प्रॉपर्टी अंडर द गुड्स ट्रांसफर टू द बायर, बट व्हेन द ओनरशिप इन द गुड्स ट्रांसफर टू द गुड्स एट द बायर रिस्क, whether delivery has been made or not, delivery हुई है या नहीं हुई है उससे फर्क नहीं पड़ता. It is also provided where delivery has been delayed, जहां पर delivery delay हो जाती है, either the fault of the buyer or seller, the goods are at the risk of the party in default, or it does not impact the rights and duties of the bailee. चलिए next question, again बेटा theory question है, ये तो हमने class में भी writing करके लिख कर देखा था जब हमने आपको पिछले अटेम्प्ट का पेपर सॉल्व करके दिखाया था. एक्सप्लेन एनी फाइव सर्कमस्टांसेस अंडर विच कॉन्ट्रैक्ट्स नीड नॉट बी परफॉर्म्ड विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज. आपको वो केसेस बताने हैं. कौन से केसेस? कितने? 5 केसेस आपको बताने हैं जहां पर दोनों पार्टीज अगर कंसेंट दे तो हमें अपना प्रॉमिस, हमें अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने की जरूरत नहीं है, यानी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है. तो यहां पर हम नोवेशन की बात करेंगे, अल्टरेशन की बात करेंगे, रेसेशन की बात करेंगे. सो नोवेशन पहले बताएंगे कि नोवेशन में क्या होता है. ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है नए कॉन्ट्रैक्ट से, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है और नया कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है. नया कॉन्ट्रैक्ट न्यू पार्टीज के बीच में क्रिएट भी हो सकता है, ओल्ड पार्टीज के बीच में भी क्रिएट हो सकता है. फिर बात करेंगे रेसेशन की. रेसेशन का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इससे भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है, बस रेसेशन में हमें यह ध्यान रखना होता है कि उससे कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आता नहीं है, नोवेशन ऑलवेज इन्वॉल्व रेसेशन. नेक्स्ट आता है बेटा अल्ट्रेशन. अल्ट्रेशन के केस में क्या होता है कि पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज रिमेन सेम एंड दे कैन अल्टर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट. इससे जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट होता है, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो डिस्चार्ज हो जाता है और जो न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस इन्होंने एग्री करी होती है वो परफॉर्म करनी पड़ती है. उसके बाद आता है, हमें तो 5 ही पूछा था, इन्होंने तो 6 लिख दिया, तो एग्जाम में हम 6 लिखेंगे कि 5? बेटा आपको 5 ही लिखनी है. अगर क्वेश्चन क्लियरली बोला है कि 5 लिखनी है तो हम 5 ही लिख कर आएंगे, फिर भले ही सजेस्टेड में 10 क्यों ना लिखी हो. चलिए नेक्स्ट आता है रेमिशन. रेमिशन मतलब होता है वेव कर देना, रेमिट कर देना, वेव या रेमिट माफ कर देना. सो अगर एवरी प्रॉमिसी मे डिस्पेंस रेमिट होली और इन पार्ट, द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस मेड टू हिम, तो वो प्रॉमिसर का प्रॉमिस माफ कर सकता है, पूरा माफ कर सकता है या पार्टली माफ कर सकता है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? रेमिशन बोलेंगे. इवन अगर आप उसे टाइम भी ज्यादा दे देते हो, जिस टाइम को वो परफॉर्म करना था, अगर आप उस टाइम को क्या कर देते हो, एक्सटेंड कर देते हो, देन एक्सटेंशन ऑफ टाइम विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड अंडर द केस ऑफ रेमिशन. नेक्स्ट आता है रिजाइंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. इसमें तो आप एग्जाम्पल जानते हैं, रिजाइंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में हम किसका एग्जाम्पल देते हैं? हमेशा पुष्पा और रॉकी बाई का एग्जाम्पल देते हैं कि अगर पुष्पा एग्रीव्ड पार्टी कैंसल कर देती है कॉन्ट्रैक्ट को, रिजाइंड कर देती है, तो जो दूसरी पार्टी थी रॉकी भाई को भी अपना वादा पूरा करने की जरूरत नहीं है. सो व्हेन अ पर्सन एट हूज ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल रिजाइंड इट, द अदर पार्टी नीड नॉट परफॉर्म एनी प्रॉमिस देयर कंटेंट विच इज द प्रॉमिसर. नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है भैया ये? इन लाइन ऑफ द अबव स्टेटमेंट डिफरेंस बताना है आपको एलएलपी और एलएलसी में, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में आपको क्या बताया गया है, पूछा गया है मेरे बच्चा, डिफरेंस पूछा गया है. डिफरेंस की अगर मैं बात करता हूं तो एक्ट कौन सा लगता है? एलएलपी पर एक्ट लगता है बेटा, एलएलपी एक्ट 2008, और एलएलसी पर एक्ट लगता है बेटा कंपनीज एक्ट 2013. नेक्स्ट आता है एलएलपी में जो बंदा पैसा इन्वेस्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको पार्टनर्स बोलते हैं. और एलएलसी में जो बंदा पैसा इन्वेस्ट करता है उसे क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर या मेंबर बोला जाता है, उसे शेयर होल्डर या मेंबर बोला जाता है. नेक्स्ट आता है इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर. एलएलपी का जो पूरा का पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो कौन डिसाइड करता है? वो डिसाइड होता है एलएलपी एग्रीमेंट से. लेकिन कंपनी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो किससे डिसाइड होता है? स्टैट्यूट, दैट इज कंपनीज एक्ट 2013 से, रेगुलेटेड बाय द स्टैट्यूट. नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं नेम. क्या एलएलपी के नाम के आगे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप वर्ड लिखना पड़ता है? द आंसर इज यस. या तो आप एलएलपी के नाम के आगे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप लिखेंगे या एलएलपी वर्ड लिखेंगे. और कंपनी के केस में क्या लिखना पड़ता है? कंपनी के केस में अगर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड,
और अगर पब्लिक कंपनी है तो सिर्फ लिमिटेड आपको लिखना पड़ेगा। नंबर ऑफ मेंबर्स, एलएलपी में मिनिमम पार्टनर्स कितने होंगे? मिनिमम दो, मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट, लेकिन कंपनी में मिनिमम और मैक्सिमम इट डिपेंड्स। अगर प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम दो, मैक्सिमम 200, पब्लिक कंपनी है मिनिमम 7, मैक्सिमम नो लिमिट, और यहां पर एक्चुअली में 1% कंपनी भी लिख सकते हैं। अगर 1% कंपनी है, लिखा है कि नहीं लिखा है? पता नहीं, लिखा नहीं। तो 1% कंपनी है तो मिनिमम और मैक्सिमम कितना रहेगा? एक ही रहने वाला है। यहां पर बेटा पार्टनर कौन बन सकता है? यहां पर पार्टनर इंडिविजुअल भी बन सकता है और बॉडी कॉर्पोरेट, इसके अलावा कोई भी एलएलपी में पार्टनर नहीं बन सकता। लेकिन कंपनी के केस में इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट तो पार्टनर बन ही सकते हैं, साथ में अदर बिजनेस फॉर्म जैसे कि ट्रस्ट वगैरह, वो भी मेंबर्स बन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, लिमिटेड मेंबर्स। सर क्या पढ़ा रहे हो सर, गुरप्रीत सर हो ना आप? अरे बेटा सब पढ़ाई हुई चीजें, क्या उस पर अब टाइम लगाना। चलिए, मैं नहीं चाहता कि आपका संडे ज्यादा मुझे देखते हुए बीते, मैं चाहता हूं आपका संडे ज्यादा किताबों के साथ बीते, ठीक है, आपके सच्चे प्यार के साथ। चलिए नेक्स्ट बात पे आते हैं, लायबिलिटी। एलएलपी में लायबिलिटी, पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड या अनलिमिटेड? सर लिमिटेड होती है, लेकिन कौन से केस में अनलिमिटेड होती है? एक्सेप्ट इन द केस ऑफ फ्रॉड, यानी फ्रॉड के केस में अनलिमिटेड, अदरवाइज क्या होती है? लिमिटेड होती है। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में क्या होती है? एक्चुअली में यहां पर तीन पॉइंट आने चाहिए थे, अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है अगर कंपनी, लेकिन इन्होंने क्या किया, क्योंकि ऊपर लिमिटेड लायबिलिटी लिखा है तो इन्होंने सिर्फ शेयर्स वाली कंपनी के बारे में बात करी है, दैट इज कि आपकी मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू द अमाउंट ऑफ अनपेड ऑन द शेयर्स, अप टू द अमाउंट ऑफ अनपेड ऑन द शेयर्स। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कौन करता है बेटा? एलएलपी का बिजनेस मैनेज कौन करता है? सारे पार्टनर्स इंक्लूडिंग डेजिग्नेटेड पार्टनर। और कंपनी का बिजनेस कौन मैनेज करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिन्हें कौन अपॉइंट करते हैं? शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं या मेंबर्स अपॉइंट करते हैं। डेजिग्नेटेड पार्टनर और डायरेक्टर, मिनिमम डेजिग्नेटेड पार्टनर कितने चाहिए एलएलपी में? मिनिमम दो चाहिए। और यहां पर डायरेक्टर्स कितने चाहिए मिनिमम? बेटा अगर प्राइवेट कंपनी है तो दो डायरेक्टर मिनिमम चाहिए, अगर पब्लिक कंपनी है तो तीन डायरेक्टर मिनिमम चाहिए, और अगर वन पर्सन कंपनी है तो मिनिमम एक डायरेक्टर चाहिए होता है। यह बात यहां पर मिसिंग है, बट हो सकती थी, ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट पॉइंट, चलो खत्म हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 3A, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। बिल्कुल बात सही कह रहे हैं, लेकिन नॉन रजिस्ट्रेशन की वजह से पार्टनरशिप को कुछ डिसएबिलिटीज फेस करनी पड़ती है, उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बताइए, और दूसरा नॉन रजिस्ट्रेशन की वजह से कौन कौन से राइट अफेक्ट नहीं होते हैं वो बताने हैं। तो सिंपल सी बात है, हम चारों डिसएबिलिटीज बता देंगे। पहला कि सिविल कोर्ट के अंदर अनरजिस्टर्ड फर्म या अनरजिस्टर्ड फर्म का पार्टनर किसी थर्ड पार्टी पर केस नहीं कर सकता है, ओनली रजिस्टर्ड फर्म थर्ड पार्टी पर केस कर सकती है, वो भी तब अगर रजिस्टर्ड फर्म के जो लोग केस कर रहे हैं उनका नाम रजिस्टर ऑफ फर्म में लिखा हुआ है तो, ठीक है। तो यही बात यहां पर लिखी हुई है, नो सूट इन अ सिविल कोर्ट बाय फर्म और अदर को पार्टनर्स अगेंस्ट द थर्ड पार्टी, द फर्म और एनी अदर पार्टनर, पर्सन लिखा हुआ बट एनी अदर पार्टनर ऑन इट्स बिहाफ cannot file a case against the third party for breach of contract unless the firm is registered and the person suing, जो person case कर रहे हैं whose name is mentioned in the register as the partner of the firm. Next आता है no relief to partner for set off और क्लेम, कितने तक का firm और जो partners हैं maximum क्या set off है, अगर suit की value more than 100 है so they cannot claim the relief of सेट ऑफ, दे कैन नॉट क्लेम द रिलीफ ऑफ सेट ऑफ। नेक्स्ट आता है एग्रीव्ड पार्टनर, अगर कोई अनरजिस्टर्ड फर्म का पार्टनर दुखी है, ही कैन नॉट फाइल केस ऑन द फर्म, ही कैन नॉट फाइल केस ऑन द अदर पार्टनर्स ऑफ द अनरजिस्टर्ड फर्म, बट देर इज अ एक्सेप्शन टू दिस रूल। और क्या एक्सेप्शन है? कि अगर आप फर्म का डिसोल्यूशन कराना चाहते हो या अपने शेयर लेना चाहते हो या अकाउंट मांगना चाहते हो तो उस केस में आप केस फाइल कर सकते हो, अदरवाइज आपको केस फाइल करना अलाउड नहीं है। थर्ड पार्टी कैन स्यू द रजिस्टर्ड फर्म, थर्ड पार्टी जो है वो रजिस्टर्ड फर्म पर भी केस कर सकती है और अनरजिस्टर्ड फर्म पर भी केस कर सकती है। नेक्स्ट आता है कौन कौन से राइट अनअफेक्टेड रहते हैं, कौन कौन से राइट फर्म के क्या रहते हैं मेरे बच्चा, अनअफेक्टेड रहते हैं, यानी उन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ऊपर वाले पॉइंट से ही कुछ पॉइंट्स बनकर आ जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो 100 रुपए तक का सेट ऑफ क्लेम कर सकते हो,
थर्ड पार्टी रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड फर्म और अनरजिस्टर्ड फर्म पर केस कर सकती है। ऐसा अनरजिस्टर्ड फर्म का पार्टनर जो है डिसोल्यूशन के लिए केस कर सकता है, प्रॉपर्टी के लिए केस कर सकता है, अकाउंट्स के लिए केस कर सकता है। ये सारे पॉइंट्स तो ऊपर से ही आ जाते हैं। फिर एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा आते हैं जिसमें कि अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव केस कर सकता है, और अगर इनसॉल्वेंट पार्टनर हो जाता है तो उसका ऑफिशियल असाइनी उसका शेयर लीगली रिकवर कर सकता है अनरजिस्टर्ड फर्म से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है क्वेश्चन नंबर 3B, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन अगेन। छोटू जो 17 साल का है, 17 साल का मतलब कौन है, माइनोर है, हैज परचेस, उसने क्या खरीदा, मोबाइल खरीदा, कितने का, 25,000 रुपए का मोबाइल खरीद लिया। देख रहे हो 3,500 की सैलरी वाले इंसान और बच्चे खरीद रहे हैं 25,000 का मोबाइल, क्या जमाना आ गया है। फॉर हिज ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस को क्या मैं ये कह सकता हूं, लगता है पीडब्ल्यू का बैच खरीद के देखने वाला होगा, है ना, क्या बोलते हो, ऑनलाइन क्लासेस की अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, नेसेसिटीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, नेसेसिटीज। एक मोबाइल की दुकान से खरीदा, क्रेडिट पर खरीदा भाई, 25,000 का फोन उधारी पर, ड्यू डेट आई, उसने पैसा नहीं दिया, केस फाइल हुआ छोटू के ऊपर और छोटू के पेरेंट्स के ऊपर कि भैया फोन का पैसा दो। छोटू ने फिर कितना पैसा, छोटू के पास 15,000 रुपए खुद का कैश बैलेंस पड़ा हुआ है और उसके फादर के पास बहुत पैसा है कि वो मोबाइल का पैसा इजिली पे कर सकते हैं। आपको बताना है हु विल बी लायबल टू पे द प्राइस ऑफ मोबाइल, यहां पर कौन सा लगेगा, नेसेसिटी वाला प्रोविजन लगेगा कि वैसे नॉर्मली तो माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बेटा, वॉइड एब इनिशियो, वॉइड एग्रीमेंट होता है, लेकिन अगर आप उसे नेसेसिटी या ऐसे पर्सन को नेसेसिटी देते हैं हुम ही इज लीगली बाउंड टू सपोर्ट, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, रिइंबर्समेंट ले सकते हो। लेकिन क्या पर्सनली लायबल होगा माइनर, द आंसर इज नो, माइनर पर्सनली लायबल नहीं होगा। तो इस केस में लेकिन हम क्या उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकते हैं, यस। क्या पेरेंट्स से रिकवर कर सकते हैं, द आंसर इज नो, पेरेंट्स से सिर्फ और सिर्फ कब रिकवर कर सकते थे, अगर पेरेंट्स ने अपनी एक्सप्रेस या इंप्लाइड क्या दी होती है, कंफर्मेशन दी होती है। यहां पर एक्सप्रेस या इंप्लाइड के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया, तो मैं ये अज्यूम करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं कि भैया पेरेंट्स की कोई भी कंफर्मेशन नहीं थी, यानी पेरेंट्स से रिकवर नहीं हो पाएगा। बट क्या वो जो 15,000 का कैश बैलेंस है वो कर सकते हैं, बिल्कुल सही, और बाकी 10,000 रुपए का क्या हो जाएगा बेटा, लॉस हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोवाइड्स, अ माइनर इज नॉट कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वॉइड एब इनिशियो होता है, माइनर कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड टू पे ऑफ हिज लायबिलिटी, आप माइनर के ऊपर पर्सनली केस फाइल नहीं कर सकते उसकी लायबिलिटी को रिकवर करने के लिए। इवन पेरेंट्स आर ऑल्सो नॉट लायबल फॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय द माइनर। लेकिन फिर आता है एक्सेप्शन, और ये एक्सेप्शन कहां से आता है बच्चा, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट से आता है, कि अ माइनर इज लायबल फॉर सप्लाईज ऑफ नेसेसरीज आउट ऑफ हिज एसेट्स, आउट ऑफ हिज एसेट, बट ही इज नॉट पर्सनल लायबल इवन फॉर द नेसेसरीज। देयरफॉर इन द गिवन केस पेरेंट्स ऑफ छोटू आर नॉट लाइबल फॉर प्राइस ऑफ मोबाइल, लेकिन छोटू एसेट्स आर लाइबल, हेंस दैट पर्सन कैन रिकवर ओनली 15,000, दैट इज इक्वल टू एसेट्स, एंड 10,000 उसका क्या हो जाएगा, बैड डेट्स हो जाएगा, 10,000 उसका क्या हो जाएगा, बैड डेट्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4A, क्वेश्चन नंबर 4A, वट आर द राइट्स ऑफ अनपेड सेलर इन कंटेक्स्ट टू रीसेल ऑफ द गुड्स अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। वो बोल रहे हैं अनपेड सेलर का जो राइट है, राइट टू रीसेल, उसको एक्सप्लेन करो। तो राइट टू रीसेल में आप जानते हो कि अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर के होते हैं तो हमें विदाउट गिविंग नोटिस वी कैन रीसेल दी गुड्स। दूसरा, अगर वो पेरिशेबल नेचर के नहीं है बट अगर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट था, ऑलरेडी मेंशन था, उस केस में भी हमें नोटिस देने की जरूरत नहीं होती, वी कैन रीसेल दी गुड्स। और अगर दोनों ऊपर के केसेस नहीं है, यानी पेरिशेबल भी नहीं है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है रीसेल से रिलेटेड, तो सेलर बायर पैसे नहीं दे रहा है, तो सेलर फर्स्ट गिव द नोटिस, अ रिटन नोटिस टू द बायर टू पे द प्राइस विद इन अ रीजनेबल टाइम, एंड इफ द बायर फेल्स टू पे द प्राइस विद इन द रीजनेबल टाइम, देन सेलर विल रीसेल द गुड्स। अब जब वो रीसेल करेगा गुड्स को, या तो सेलर को होगा लॉस या तो सेलर को होगा प्रॉफिट। अगर सेलर को होगा लॉस तो वो रिकवर कर लेगा लॉस फ्रॉम दी बायर, वो रिकवर कर लेगा लॉस फ्रॉम दी बायर, और अगर सेलर को होगा प्रॉफिट तो वो कर लेगा रिटेन, उस प्रॉफिट को क्या कर लेगा, रिटेन कर लेगा। उसके बाद भले ही सेलर ने बायर को नोटिस दिया हो या नहीं दिया हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, जो न्यू बायर है उसको हमेशा क्या मिलेगा, गुड टाइटल मिलेगा, उसको हमेशा क्या मिलेगा, गुड टाइटल मिलने वाला है। यही बातें आपको बेटा इस आंसर में बतानी है। तो सबसे पहला, वेयर द गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर द बायर नीड नॉट बी इन्फॉर्म्ड
of the intention of resale, there is no need to give the notice. Second, where seller gives notice to the buyer of his intention to resell the goods, after the receipt of such notice, buyer fails to pay the price within the reasonable time, the seller may resell the goods. In case of loss, he can recover the loss, and in case of profit, he can retain the profit. Next, where an unpaid seller who has exercised, अगर आपने right of lien या stoppage and transit लगाया था और उसके बाद आप goods resell कर रहे हैं, then the subsequent buyers acquires the good title, उसको good title मिलेगा, despite the fact कि आपने notice दिया है या नहीं दिया है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, seller ने buyer को notice दिया था या नहीं दिया था. A resale by the seller, where a right of resale is expressly कॉन्ट्रैक्ट में, अगर राइट ऑफ रीसेल ऑलरेडी मेंशन्ड है इन द कॉन्ट्रैक्ट ओनली, देन देयर इज नो नीड टू गिव द सेपरेट नोटिस. द सेलर कैन रीसेल द गुड्स इफ द बायर डू नॉट पे द प्राइस एज पर द ड्यू डेट. ओके, ये क्वाजी लीन वाला पॉइंट आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो. एक्चुअली में दिस पॉइंट इज नॉट पार्ट ऑफ रीसेल ऑफ गुड्स, दिस पार्ट इज डिफरेंट पॉइंट, है ना. हमने क्लास में भी इसके बारे में चर्चा करी हुई है. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 4B. बड़ा क्वेश्चन लग रहा है भाई, डर सा लग गया मुझे तो इतना बड़ा क्वेश्चन देख के. अभी तक तो छोटे छोटे चल लेते हैं. चलिए देखते हैं. ए और बी पार्टनर है ए बी एंड कंपनी में. भाई दो पार्टनर है ए बी एंड कंपनी में. फर्म बिजनेस करती है प्लास्टिक बोटल्स की ट्रेडिंग का. प्लास्टिक बोटल्स खरीदती है और प्लास्टिक बोटल सेल करती है. प्लास्टिक बोटल्स, ठीक है. यहां पर प्लास्टिक बोटल में क्या भरा होता है? कुछ नहीं, खाली प्लास्टिक की बोटलें बेच रही है, मतलब यही समझ आ रहा है. ए के पास अथॉरिटी थी कि प्लास्टिक बॉटल्स का स्टॉक वो सेल आउट कर सकता है, लेकिन ए और बी ने ये डिसाइड करा था कि जब भी ए प्लास्टिक बॉटल सेल करेगा तो एक मिनिमम प्राइस उसको बोला गया था, इससे कम प्राइस पे वो बेचना अलाउड नहीं है. अगर वो इससे कम प्राइस पर बेचना चाहता है तो पहले उसको बी का परमिशन लेना होगा, उसके बिना वो नहीं बेच सकता. अब हुआ क्या, ड्यू टू सडन चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट ने, हो सकता है प्लास्टिक बोतल पे किसी तरह का बैन लाया हो सकता है कोई और पॉलिसी लाया हो, उसकी वजह से प्लास्टिक बोतल्स का प्राइस जो है वो बहुत तेजी से कम होने लगा, गिरने लगा. अगर ए इस स्टॉक को नहीं बेचता तो क्या होता, सारा स्टॉक खराब हो जाता, क्योंकि वो फिर बर्बाद हो जाता. सो टू सेव द लॉस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ए ने ये स्टॉक को उस प्राइस से कम पर बेच दिया जिस प्राइस को उसको बेचना अलाउड नहीं था. मीनवाइल ए ने बी को फोन करने की भी कोशिश करी, बट बी क्योंकि फॉरेन ट्रिप पे घूमने गए हुए थे भाई साहब, इसलिए कांटेक्ट नहीं कर पाए. जब बाद में बी आया और उसे यह पता चला कि ए ने उसके पीछे से कम प्राइस पे बोतल बेच दी, तो उसे गुस्सा आया और उसने केस फाइल कर दिया किसके ऊपर, ए के ऊपर, टू रिकवर द कंपनसेशन. सेल प्राइस एंड मिनिमम प्राइस का जो डिफरेंस आएगा उस अमाउंट का कंपनसेशन मांगना. आप बताएंगे कि क्या भी ये केस फाइल कर सकता है या ये केस फाइल करके जीत सकता है या नहीं जीत सकता. तो सिंपल सी बात है, ये कौन सी सिचुएशन में आएगा बेटा, एमरजेंसी सिचुएशन में. वैसे तो उसकी अथॉरिटी थी कि मिनिमम प्राइस से कम पे वो नहीं बेच सकता, लेकिन अगर कोई एमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो भैया पार्टनर के पास वो सारी अथॉरिटीज होती है जो एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस मैन करता है लॉस को, फर्म को लॉस से बचाने के लिए. और यहां पर मेरे बच्चा, क्या हम इंडेमनिफिकेशन में मिलती है? द आंसर इज यस. तो यही बात यहां पर आपको बतानी थी कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 क्लॉज of the Indian Partnership Act 1932, every partner has a right to be indemnified. Her partner ka right hai to be indemnified by the firm in respect of payments made and liabilities incurred by him in the ordinary and proper conduct of the business as well as in the performance in the act of emergency. Emergency for protecting the firm. To is case mein beta, kyunki usne ट्राई भी किया था लेकिन कांटेक्ट नहीं कर पाया. ऑन द बेसिस ऑफ अबव प्रोविजन, सेलिंग बाय ए एट अ लोअर प्राइस वाज टू सेव द फर्म फ्रॉम लॉसेस. एक्ट ऑफ ए वाज इन ए फेवर एंड इसलिए ए जो है वो बियर नहीं करेगा लॉस, तो बी जो है उस पर केस फाइल नहीं कर सकता, और अगर केस फाइल कर भी देगा तो वो उसमें जीत हासिल नहीं कर पाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5A. ये भी बड़ा क्वेश्चन है, क्या कर रहे हैं यार इंस्टीट्यूट. राम विलास, बेटा यहां पर तो तुम्हें जो बड़ा दिख रहा है, जब तुम पेपर का फॉन्ट देखोगे ना एग्जाम में और बड़ा दिखेगा. तो एक दो बारी ना पिछले पेपर डाउनलोड करके अच्छे से देख लो कितना बड़ा फॉन्ट होता है.
कितने पेजेस का पेपर होता है, ताकि तुम्हें वहां जाकर डर नहीं लगे, क्योंकि केस स्टडीज छोटे होते हैं बट उनका फॉन्ट बहुत बड़ा होता है, इसलिए आपको वो केस स्टडीज बड़े लगते हैं। चलिए, तो रामविलास यादव इज अ फार्मर। रामविलास यादव क्या है? फार्मर है। ओके जी, फार्मर भैया। अन्ना चिप्स कंपनी अप्रोच्ड हिम एंड एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई 100 क्विंटल्स ऑफ पोटैटोस विच टू बी ग्रोन इन द फील्ड बिलोंगिंग टू रामविलास एट द 1000 पर क्विंटल। अन्ना चिप्स कंपनी मेड द पेमेंट। अन्ना चिप्स कंपनी ने प्राइस का पेमेंट कर दिया, बट डिलीवरी कब होनी थी? 6 महीने बाद होनी थी। बिफोर द टाइम ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी के टाइम से पहले पूरी की पूरी पोटैटोस की क्रॉप क्या हो गई? डिस्ट्रॉयड हो गई। फ्लड आया जिसकी वजह से सारे आलू हमारे खराब हो गए। अन्ना चिप्स कंपनी ने भैया फार्मर को कहा कि हमारा पैसा रिटर्न कर दो, तो फार्मर ने कहा कि मैं तुम्हारा पैसा रिटर्न नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और क्रॉप जो है उसकी ओनरशिप तुम्हें ट्रांसफर हो गई थी, तो सारा लॉस अब तुम्हें उठाना पड़ेगा, अब तुम्हें कोई पैसा रिटर्न नहीं मिलेगा। हेंस लॉस ऑफ क्रॉप मस्ट बी मॉर्न बाय द कंपनी। रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, वेदर अन्ना चिप्स कंपनी रिकवर अमाउंट फ्रॉम दी बिलास यादव, क्या पैसा हम अपना वापस ले पाएंगे नहीं? तो यहां पर बेटा, क्योंकि सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स हुआ है। सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स क्या होता है? सेल होता है या एग्रीमेंट टू सेल होता है? सर, सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स जो होता है वो एग्रीमेंट टू सेल होता है। वो तब तक उसमें ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती जब तक वो फ्यूचर गुड्स बन ना जाए, और बनने के बाद फाइनल भैया हमारा सर्टेन ना कर ले कि कौन से देने वाले हैं। तो इस केस में अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, तो लॉस किसका हुआ होगा? राम भाई का हुआ होगा। लॉस किसका हुआ होगा? राम भाई का लॉस हुआ होगा। तो उस केस में भैया क्या हम अपना पैसा ले सकते हैं वापस? आंसर इज यस, हम अपना पैसा वापस ले सकते हैं। तो यही बात है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में अगर ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर होती है तो उसे सेल कहते हैं, और अगर ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं होती तो उसे एग्रीमेंट टू सेल कहते हैं। और अगर हम फ्यूचर गुड्स की बात करें जो कि कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस या एक्वायर होने वाले हैं, तो उस केस में वो हमेशा क्या होता है? एग्रीमेंट टू सेल होता है। और इसी केस में एज द गुड्स वर नॉट फाइनलाइज्ड, क्योंकि गुड्स अभी फाइनल नहीं हुए थे, उगाने के बाद कौन से गुड्स देने हैं, देन द प्रॉपर्टी इज नॉट बाइंड, एंड हेंस राम विलास यादव जो है वो रिटर्न करेगा पैसा कंपनी को, उसको पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा आर्टिकल। ओहो, क्वेश्चन आ गया भाई साहब, खतरनाक क्वेश्चन। ये मुझे लगता है आपको एमटीपी में इसी क्वेश्चन में दिक्कत आई होगी। नहीं सर, हमें क्यों दिक्कत आएगी सर? फिर ठीक है। चलिए, तो मेरे बच्चा द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, एक कंपनी है एवेन्यू इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी है एवेन्यू इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एक क्लॉज मेंशन था दैट इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी मेंबर, अगर कोई मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाता है, हिज शेयर इन द कंपनी, और वो अपना शेयर का हिस्सा बेचना चाहता है, वो सिर्फ अपना शेयर उस प्राइस पे बेचेगा जो प्राइस कंपनी के डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे। मिस्टर नीरज एक शेयर होल्डर थे जिन्हें कोर्ट ने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया। अब आप जानते हो, अगर कोर्ट ने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया तो उसकी जगह कौन आएगा? ऑफिशियल असाइनी आएगा। ऑफिशियल असाइनी आएगा इनसॉल्वेंसी क्लेम्ड दैट ही वाज नॉट बाउंड बाय द प्रोविजंस ऑफ एओए एंड इज फ्री टू सेल द शेयर्स एट द ट्रू वैल्यू। इनसॉल्वेंट ऑफिशियली असाइनी ने कहा कि भाई हम एओए फॉलो नहीं करेंगे और हम तो मार्केट वैल्यू पे शेयर्स बेचेंगे। आपको बताना है क्या ऑफिशियल असाइनी को एओए फॉलो करके करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? तो देखो, सिंपल सी बात है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखी होती है? इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन लिखी होती है। ये मेमोरेंडम को चार्टर बना के एक्सेप्ट करता है। सेक्शन 10 अगर हम जाते हैं तो सेक्शन 10 भी कहता है कि भैया मेंबर्स कंपनी को बाउंड है, कंपनी मेंबर्स को बाउंड है। तो यानी ये जो मेंबर्स था नीरज, ये बाउंड है कंपनी को, जो भी मेमोरेंडम और आर्टिकल में लिखा है ये उसके लिए बाउंड है, एंड रिवर्स केस भी है। तो इस केस में ऑफिशियल असाइनी कोई अलग बंदा नहीं है, वो नीरज को रिप्लेस करके आया है, तो क्या उसे भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फॉलो करना पड़ेगा, बाउंड करना पड़ेगा? द आंसर इज यस। जब आप कंपनी के शेयर्स खरीदते हो ना, तो आप ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में या उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो भी लिखा है, एज अ जो भी आपकी ड्यूटीज है, वो आप एज अ मेंबर फॉलो करोगे।
तो यही बात यहां पर लिखी हुई है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रूल्स एंड रेगुलेशन लिखी होती है, ये मेमोरेंडम को क्या मान के, चार्टर मान के इंटरनल रेगुलेशंस आर्टिकल में लिखी जाती है, और ये ऑब्लिगेशंस होती है जो सारे मेंबर्स को फॉलो करनी पड़ती है। ऑन द बेसिस ऑफ अबव इट कैन बी सेड द ऑफिशियल असाइनी ऑफ मिस्टर नीरज इज बाउंड बाय द एओए। आप चाहो तो इसमें सेक्शन 10 का भी रेफरेंस दे सकते हो, सेक्शन 10 का भी रेफरेंस आप दे सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं मेरे बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन लाइट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एग्रीमेंट्स मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन आर वैलिड एग्रीमेंट। यस, वो वैलिड एग्रीमेंट होते हैं प्रोवाइडेड वो सारी कंडीशन फुलफिल हो जो आप इसके आंसर में लिखेंगे। और नेक्स्ट, प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार डेट कैन नॉट बी फोर्स्ड। अगर वो रिटर्न है टाइम बार डेट को अगर आप राइटिंग में लिखकर दे रहे हैं कि मैं वापस दूंगा, तो उस केस में वो भी इनफोर्सेबल हो जाता है। तो यहां पर यही बात आपको लिखनी है कि भैया पहली बात आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए, नियर रिलेशन होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो विदाउट कंसिडरेशन भी लॉ की नजरों में वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वैलिड हो जाता है। उसके बाद आता है ये वाला पॉइंट, आपको सेकंड अल्टरनेटिव पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये वाला अल्टरनेटिव पढ़िएगा, कौन सा, जो आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है। वेयर अ प्रॉमिस इन राइटिंग, अगर आपने राइटिंग में आपने या आपके एजेंट में लिखकर प्रॉमिस कर दिया टू पे एनी टाइम बार डेट, देन उस केस में वो क्या हो जाएगा, वैलिड माना जाएगा विदाउट कंसिडरेशन। देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इन्होंने क्या बोला था, कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड, बट क्योंकि हमने एक्सेप्शन में पढ़ा है इट कैन बी इन्फोर्स्ड, और इसीलिए हम कौन से वाला लेकर चलेंगे, यही वाला एग्जाम में लिखेंगे, सेकंड अल्टरनेटिव हमें लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6B, शेयरिंग इन द प्रॉफिट इज नॉट कंक्लूसिव एविडेंस इन द क्रिएशन ऑफ पार्टनरशिप कमेंट। कंक्लूसिव एविडेंस कौन सा होता है, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप में अगर हम जाते हैं, कंक्लूसिव एविडेंस की अगर हम बात करते हैं, दैट इज म्यूचुअल एजेंसी। क्योंकि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, वो तो प्राइमा फेसी एविडेंस होता है, इट इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस। जस्ट बिकॉज टू पीपल आर शेयरिंग प्रॉफिट इट डज नॉट मीन दैट दे आर पार्टनर्स, बट अगर इफ देर इज बिटवीन द टू पार्टीज देर इज अ म्यूचुअल एजेंसी, देन वी कैन से दैट यस देर इज अ पार्टनरशिप बिटवीन द टू पीपल। तो यही बात है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट असेंशियल एलिमेंट तो है पार्टनरशिप का, बट इट इज ओनली अ प्राइमा फेसी एविडेंस एंड नॉट कंक्लूसिव एविडेंस। द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, अगर आप ज्वाइंट ओनर्स हो और आपस में रेंट शेयर कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि आप पार्टनर हो। सो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एक स्ट्रॉन्ग टेस्ट है, एक स्ट्रॉन्ग टेस्ट है चेक करने का पार्टनरशिप है कि नहीं, बट ये जरूरी नहीं है कि भैया उससे पार्टनरशिप हो। देर आर मल्टीपल केसेस जहां पर ऐसा होता है कि हम प्रॉफिट शेयर कर रहे होते हैं बट फिर भी वो हमारे पार्टनर्स नहीं होते, जिसमें आपको नीचे एग्जाम्पल दिए होंगे। ठीक है, ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6C, अगेन फॉरेन कंपनी के ऊपर क्वेश्चन है मेरे बच्चा। माइक एलएलसी कहां बनी है, सिंगापुर में बनी है, जिसका ऑफिस कहां है, पुणे इंडिया में है। आपको बताना है ये कंपनी फॉरेन कंपनी है या नहीं है, और आपको साथ में फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन भी लिखनी है। तो फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन आप लिख सकते हो इजीली, फॉरेन कंपनी कौन सी कंपनी होती है, फॉरेन कंपनी मींस एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया आइदर बाय इटसेल्फ और थ्रू इट्स एजेंट फिजिकली और इन इलेक्ट्रॉनिक मोड एंड कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी। यहां पर एक्चुअली में इन्होंने सिर्फ बोला ऑफिस है पुणे में, ये नहीं बताया बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट हो रही है नहीं, तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि बिजनेस एक्टिविटी वहां से कंडक्ट हो रही है और हम लिखेंगे यस दिस कंपनी इज अ फॉरेन कंपनी, दिस कंपनी इज अ फॉरेन कंपनी। तो आ जाइए, माइक एलएलसी इज इनकॉर्पोरेटेड इन सिंगापुर एंड हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन पुणे, सिंस कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, हेंस इट इज अ फॉरेन कंपनी, हेंस इट इज। और फिर उन्होंने उसके बाद क्या दे दी, डेफिनेशन दे दी सेक्शन 2 क्लॉज 42 फॉरेन कंपनी की। तो यहां पर बेटा हमारा बिजनेस लॉस का पार्ट खत्म होता है, नेक्स्ट पार्ट आता है बीसीआर का। बीसीआर इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ये आप खुद कर सकते हैं, बट फिर भी मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर देता हूं ताकि आपका ऐसा लगे बीसीआर का क्या। चलिए आइए, ये आपका बच्चों पैसेज है, जिस पैसेज के बेसिस पर अगर आप पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया था नॉर्मली आपके आंसर जो है इसी में मिलते हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द टोन ऑफ द पैसेज। सर ये क्या आ गया, टोन ऑफ द पैसेज पूछ लिया। अगर आप पैसेज को पढ़ते हो तो पैसेज एक टोन में लिखा जाता है जो आपके अंदर कुछ फीलिंग्स जनरेट करता है, वो आपके बारे में कुछ बताता है। तो वो बोल रहे हैं क्या ये डिस्क्रिप्टिव टोन में लिखा गया है, स्केप्टिकल टोन में लिखा गया है,
परसुएसिव टोन में लिखा है या रिट्रोस्पेक्टिव टोन में लिखा गया है, मतलब स्केप्टिकल मतलब एकदम शक्की वाला, एकदम डिलीजेंट वाला, परसुएसिव मतलब आपके विचारों को बदलने के लिए लिखा गया है, डिस्क्रिप्टिव मतलब आपको फैक्ट्स बताए जा रहे हैं, कुछ नई चीजें आ रही हैं, आपको इससे रीडर को नॉलेज देने के लिए बनाया गया है। तो अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ये डाइट के ऊपर बनाया गया है कि आजकल मार्केट में एक नया ट्रेंड आ गया है, लोग डाइट फॉलो कर रहे हैं, देखो गुरप्रीत सर फॉलो कर रहे हैं, रोज दौड़ रहे हैं भैया पतले होने के लिए, तो अलग अलग तरह की डाइट्स आ गई है मार्केट में जो लोग फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग वीगन बन रहे हैं, कुछ लोग कैटो डाइट्स फॉलो कर रहे हैं, तो वो आपकी नॉलेज बढ़ा रहा है सिर्फ आपको बड़े सारे फैक्ट्स पे, तो यहां पर हम कर देंगे इसको डिस्क्रिप्टिव। वैसे एमसीक्यू आने के चांसेस वहां पर कम रहते हैं। नेक्स्ट आता है कौन सी डाइट बॉडी में से फैट को यूज करती है ना कि शुगर को एनर्जी रियलाइज करने के लिए, तो इसका आंसर अगर आप देखेंगे यहां पे लिखा होगा यूजिंग फूड रेदर देन शुगर फॉर एनर्जी। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन था कौन सी कीटो या केटोजेनिक डाइट आप इसको बोल सकते हैं, कीटो या केटोजेनिक डाइट आप इसको बोल सकते हैं जो यूज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, अगर आपने पैसेज पढ़ा होगा तो आप इजीली पहचान लेंगे, केटो हाई प्राइस इज वीगन, हाँ वीगन्स डू नॉट ईट एनिमल प्रोडक्ट्स ऑन ट्यूसडे ओनली, एक्चुअली वीगन्स जो होते हैं ना वो किसी भी दिन एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं लेते हैं, यहां पर सिर्फ ट्यूसडे लिखा है इसीलिए स्टेटमेंट क्या हो गई इनकरेक्ट हो गई, इसीलिए स्टेटमेंट क्या हो गई इनकरेक्ट हो गई। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं चूज द वर्ड सिमिलर मीनिंग टू फैड, फैड का मतलब क्या है पहले ये देखते हैं, फैड वर्ड यूज कहां पर हुआ था, कहां हुआ था फैड वर्ड यूज, यहीं पर शुरू में कहीं पर हुआ था, ये रहा डाइट्स आर दी लेटेस्ट फैड, डाइट्स आर दी लेटेस्ट फैड एंड गोइंग ऑन अ स्पेशल डिजाइनर डाइट इज इवन मोर फैशनेबल देन स्नैपिंग सेल्फीज विद योर लेटेस्ट मॉडल कस्टमाइज्ड आईफोन। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं लेटेस्ट फैड की क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है भैया, नीड जरूरत, लेटेस्ट जरूरत बन गई है, लेटेस्ट डिजायर बन गई है, लेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है, या लेटेस्ट ट्रेंड, आजकल डाइट पे जाना लोगों का ट्रेंड बन चुका है, सो द करेक्ट आंसर इज लेटेस्ट ट्रेंड। गिव द पैसेज अ सुटेबल टाइटल, मैंने अगेन कहा था आपका हो सकता है आंसर सजेस्टेड से मैच ना करता हो सुटेबल टाइटल से, बट फिर भी काम चल जाता है, नॉर्मली आपको बस ये थीम देखना है कि वो किस थीम पे लिखा गया है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे थीम डाइट्स के ऊपर थी, तो अगर आपके टाइटल में डाइट्स वर्ड आ रहा है कि न्यू एरा ऑफ डाइट्स, है ना, देयर कैन बी मल्टीपल नेम्स, जरूरी नहीं है कि मेरा सजेस्टेड आंसर मैच करेगा, मैं कह सकता हूं न्यू एरा ऑफ डाइट्स, न्यू ट्रेंड्स ऑफ डाइट, है ना, अ न्यू फैशन गोइंग ऑन डाइट, इस तरह की चीजें मैं लिख सकता हूं सुटेबल टाइटल देने के लिए। तो आपने जो भी पैसेज का टाइटल दिया था मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, देखते हैं कितने बच्चे सही डायरेक्शन में जा रहे थे। हाउएवर इंस्टीट्यूट ने क्या नाम दिया है, द डाइट ट्रेंड्स न्यू डाइट्स एंड देयर अफेक्ट्स, ठीक है, ओके सर। चलिए नेक्स्ट आपको क्या बनाना था यार, इसमें एक और दिया है नोट सब हेडिंग एब्रीविएशन वेयर एवर नेसेसरी सुटेबल टाइटल दे देना और समरी दे देना, समरी मैंने आपको बताई है हमें 1/4% में लिखना, यानी हर चार लाइन के लिए एक लाइन वहां से उठा के लिख देंगे तो हमारी समरी क्रिएट हो जाएगी, बल्कि इंस्टीट्यूट का अगर आप सजेस्टेड देखेंगे तो उन्होंने समरी उससे भी छोटी लिखी है, और आप भी इतनी लिख सकते हैं आपका काम चल जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा बिजनेस कम्युनिकेशन चैप्टर, हमारा कम्युनिकेशन चैप्टर जिसमें आपको मल्टीपल क्वेश्चन मिलते हैं, दो मार्क्स या एक मार्क के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें से पहला उन्होंने बोला बिजनेस इंग्लिश के एडवांटेजेस बताओ, हमने इस टॉपिक को पढ़ा था, मैंने आपको डिफरेंस भी बताया था कि जनरल इंग्लिश अलग होती है बिजनेस इंग्लिश अलग होती है, जनरल इंग्लिश आपकी डे टू डे लाइफ में यूज होती है, बिजनेस इंग्लिश जो होती है बिजनेस में कम्युनिकेट यूज करने के लिए होती है, और इसमें ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज होती है, ये बात हमने करी थी या नहीं करी थी, मैंने आपको एक पैसेज भी दिखाया था एक अखबार का जिसमें पेटीएम से रिलेटेड कुछ बातें थी जिसमें बहुत ज्यादा बिजनेस इंग्लिश लिखी हुई थी। तो क्या क्या फर्क होता है, बिजनेस इंग्लिश स्किल्स क्यों जरूरी होती है, सबसे पहली चीज बिजनेस स्किल्स अगर आपके पास है, बिजनेस इंग्लिश आपको आती है तो आप बाकी लोगों से जो आपके को कलीग्स होंगे उनसे ज्यादा बेटर आप रहोगे वर्क प्लेस पे, आपकी अगर बिजनेस इंग्लिश इंप्रूव होती है वो कैबिलिटी तो आपका आप अपना काम और अच्छे से कर पाते हो, आपको और नई करियर अपॉर्चुनिटीज मिलती है, आप इंटरव्यू स्किल्स आपकी इंप्रूव होती है, आप ईमेल्स को और क्लैरिटी से लिख पाते हो, आप आपकी जागरूकता बढ़ती है बिजनेस टॉपिक्स और इश्यूज पे, ये तीन चार पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है चूज द सुटेबल सिनोनिम, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन में एंटोनिम बोला है या सिनोनिम बोला है, सिनोनिम मतलब क्या जिसका मीनिंग सिमिलर है और एंटोनिम मतलब जिसका मीनिंग अपोजिट होता है, तो यहां पर वर्ड है बेटा अबेटमेंट, अबेटमेंट हमने कहीं पढ़ा है क्या, हो सकता है आपने कहीं पढ़ा हो अबेटमेंट टू सोसाइट, है ना,
पढ़ाया गया? नहीं पढ़ा सर, चलो कोई बात नहीं। फाइनलाइज, असिस्ट, कर्ब, डिस्ट्रॉय। अबेटमेंट का मतलब होता है हेल्प करना या उकसाना। उकसाने को भी अबेटमेंट कहते हैं या हेल्प करने को भी कहते हैं, तो यहां पर ये तो नहीं है। कर्ब मतलब रोकना, डिस्ट्रॉय मतलब खत्म करना, तो आपका क्या आंसर होगा बेटा? असिस्ट आपका आंसर होगा। हेल्प करना, उकसाना इज नथिंग बट अबेटमेंट, और इसीलिए यूज होता है अबेटमेंट टू सुसाइड। चलिए नेक्स्ट सर, सुसाइड की बातें मत करो। एक्सुबेरेंट, अब यहां पर देखिए सैनोनिम बोला, एंटोनिम बोला। एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड मुझे बताना है। एक्सुबेरेंट का वैसे मीनिंग क्या होता है? एक्सुबेरेंट का मीनिंग होता है एक्साइटिंग, एक्साइटिंग, जो कि आपको एक्साइट करती है चीज। यहां पर एक्साइट का उल्टा वर्ड कहां लिखा है? डल, जॉयफुल, इंपॉर्टेंट, एक्स्ट्रा। बताओ, मैं एक्साइटेड फील कर रहा हूं, मैं डल फील कर रहा हूं, तो अपोजिट क्या होगा? डल विल बी दी करेक्ट आंसर, डल विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है भैया, इस सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर दो। क्या बोला है? शिखा सेड दैट, वैसे तो यहां पर टोल्ड होना चाहिए था बट ठीक है, दैट शी हैड फिनिश द प्रोजेक्ट वर्क ऑलरेडी। तो यहां पर क्या लिखेंगे? शिखा को लिख देंगे, सेड का सेड ही रहेगा। नॉर्मली यहां टोल्ड होता है, हम टोल्ड से सेड लिखते हैं, बट यहां पर पहले से ही सेड है। दैट हट जाएगा और यहां पर आपके डबल कॉमास आ जाएंगे। आई हैव, हैड का क्या हो जाएगा? हैव, आई हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट वर्क ऑलरेडी, आई हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट वर्क ऑलरेडी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। प्रेसी लिखना है और उसका सुटेबल टाइटल लिखना है। अगेन इट इज सिमिलर टू समरी, बस यहां पर हमें यह याद रखना है कि 25% की जगह 33% होना चाहिए, यानी 1/3 हम इसकी पैसेज की लेंथ रखने वाले हैं, जिसमें आपका अगेन जो टाइटल है वो जरूरी नहीं है कि इससे मैच करेगा। टाइटल ऊपर नीचे हो सकता है, एग्जैक्ट मैच करने की जरूरत नहीं होती, आपको फिर भी मार्क्स मिल जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो है प्रेसी राइटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ डज बॉडी लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूट, बॉडी लैंग्वेज कैसे कम्युनिकेशन हो सकता है? क्या बॉडी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं? यस, आपके गेस्चर्स, आपके फेस एक्सप्रेशन, आपके स्टेंसेस, ये सारी चीजें क्या होती है बेटा? बॉडी लैंग्वेज होती है। दिस इज अ पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और इसीलिए बॉडी लैंग्वेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बॉडी लैंग्वेज, सो बॉडी लैंग्वेज दैट इज फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर्स, स्टेंसेस या कोई और फिजिकल सिग्नल भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है, जिसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। जैसे कि अगर मैं आपके आगे हाथ बढ़ा रहा हूं, फ्रेंडलीनेस। अगर मैं आपके आगे झुक रहा हूं, फ्रेंडलीनेस। अगर मैं ऐसे खड़ा हो रहा हूं तो मैं एरोगेंट या डिफेंसिव पोजिशन, उसे हम कह सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, लीनिंग फॉरवर्ड फ्रेंडलीनेस होता है कि आप इंटरेस्ट दिखा रहे हैं सामने वाले में, लेकिन अगर आपके क्रॉस आर्म्स हैं तो इट विल बी इंटरप्रेटेड एज अ डिफेंसिव पोस्चर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग, यानी सिनोनिम की बात कर रहे हैं। बोनाफाइड, अरे यार ये तो लॉ से ही उठकर आ गया। याद है क्या, हम एक नेमोडेथ कोर नॉन हैबिट का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जिसमें हम बार बार कहते हैं परचेजर बोनाफाइड होना चाहिए, बायर बोनाफाइड होना चाहिए, तभी उसे गुड टाइटल मिलेगा। और बोनाफाइड का मतलब का हम एक और मैं आपको बताता हूं, बोनाफाइड बायर या बायर इन गुड फेथ, एक ही बात होती है। तो यहां पर सिनोनिम क्या आएगा? अचीवेबल, वर्थलेस, इन गुड फेथ, बेनेवोलेंट। कौन सा आएगा बेटा? गुड फेथ। सो बोनाफाइड मतलब गुड फेथ में, इनोसेंटली, कि आपको पता ही नहीं था कि वो पहले से उसके पास गुड टाइटल नहीं है और आप खरीद लेते हो, तो उस केस में भी आपको गुड टाइटल मिल जाता है। बीसीआर में भी लॉ आ गया भाई साहब, बीसीआर में भी लॉ आ गया। चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड। अपोजिट यानी एंटोनिम बताना है बेटा। हीनियस, हीनियस, नॉर्मली हम हीनियस वर्ड को क्राइम के साथ इस्तेमाल करते हैं कि आपने बहुत ही घिनौना अपराध कर दिया, ऐसा अपराध कर दिया विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, है ना। सीरियस क्राइम बोल सकते हो, सीरियस, अनएक्सेप्टेबल। ये तो मतलब हो गया ना, हमें तो इसका रिवर्स चाहिए, हमें तो इसका रिवर्स चाहिए। तो उस केस में रिवर्स क्या होगा? शॉकिंग, अनएक्सेप्टेबल, डिजायरेबल और डिस्टेंट। डिस्टेंट मतलब दूर, शॉकिंग मतलब दहला देने वाला, और अनएक्सेप्टेबल मतलब जो एक्सेप्ट करा ही नहीं जा सकता। अपोजिट क्या बनेगा इसका? डिजायरेबल मतलब ऐसा काम करना जो लोग एक्सेप्ट करेंगे, जो लोग एक्सेप्ट करने के लिए राइडी है, जो लोग आपसे चाहते हैं। और अगर आप उसका उल्टा कर रहे हो, अरे तुमने एक ऐसा घिनौना अपराध कर दिया, है ना। तो हीनियस यानी सीरियस और अनएक्सेप्टेबल, ये मीनिंग में आएगा अगर आपका सिनोनिम पूछा जाता। अगर सिनोनिम होता तो मैं अनएक्सेप्टेबल पे टिक मार देता, और क्योंकि यहां पर ये पूछा गया तो मैंने डिजायरेबल पे टिक मारा। सो माय करेक्ट आंसर इज डिजायरेबल। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, अगेन एक सिंपल क्वेश्चन है। सिद्धांत सेड टू हिज कलीग, सिद्धांत ने अपने कलीग से कहा,
आई कैन नॉट वर्क एनी मोर, कह रहा मैं और काम नहीं कर सकता हूं, जिंदगी से परेशान आ गया था। सिद्धांत को सिद्धांत लिखेंगे, सेड का क्या हो जाएगा बच्चों, टोल्ड हो जाएगा। सिद्धांत का सेड का हो जाएगा टोल्ड। टोल्ड हिज कलीग, यहां पर यह हटाकर क्या आ जाता है, दैट आ जाएगा, आई की जगह सिद्धांत अगर लड़का है तो ही आता, अगर यहां पर सिद्धांत, अगर सिद्धांत की जगह श्रुति होती तो शी आता, ठीक है। सो दिस ही इज डिपेंडेंट ऑन दिस, जो बोल रहा है दैट ही, कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा, बाकी सब सेम, ही कुड नॉट वर्क एनी मोर। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं मेरे बच्चा, यू आर मिस्टर राकेश त्रिपाठी, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड एट द स्कूल जयपुर राजस्थान। आपको एक ऑर्डर लेटर लिखना है भाई, ऑर्डर लेटर में फॉर्मेट पहले प्रॉपर बना लेना, टेंडर वो पूरा एड्रेस, और जो ऑर्डर लेटर के फॉर्मेट में जो हमने इलुस्ट्रेशन में आईसीआई के मॉड्यूल से पढ़ा हुआ है वो कंटेंट रखना, बस चीजों का नाम चेंज कर देना। यहां पर आपको चीजें दी हुई है कि स्टेशनरी मंगानी है, ब्लैक बोर्ड मंगाना है, कुछ चॉक बॉक्स मंगाने हैं, और इनकी क्वांटिटी अपने मन से लिख देना कि भाई मुझे स्टेशनरी में ब्लैक बोर्ड की इतनी क्वांटिटी चाहिए, चॉक बॉक्स की इतनी क्वांटिटी चाहिए, बुक शेल्फ की एक क्वांटिटी चाहिए, तो वो क्वांटिटी आप उसके आगे लिख देना टेबल फॉर्मेट बनाकर, बाकी सारा फॉर्मेट आप सेम रखेंगे। और जो ऑर्डर लेटर में आपने आईसीए के इलुस्ट्रेशन में लाइंस या कंटेंट लर्न किया था वही कंटेंट आप यहां पर यूज करेंगे तो आपका लेटर जो है बन जाएगा। तो यही उन्होंने करा, हॉरिजॉन पब्लिक स्कूल जयपुर राजस्थान, यहां पर आपका सेंडर का वो आ गया, डेट आ गई, रिसीवर का एड्रेस आ गया, सैल्यूटेशन आ गया, सब्जेक्ट आ गया बल्क ऑर्डर, वी वुड लाइक टू प्लेस अ बल्क ऑर्डर, फिर उन्होंने लिस्ट दे दी, ब्लैक बोर्ड इतने चाहिए, व्हाइट बोर्ड इतने चाहिए, चौक इतने चाहिए, डस्टबिन इतने चाहिए, बुलेटिन बुकशेल्फ इतने चाहिए, वर्ल्ड मैप इतने चाहिए। अगर आपको कुछ और लगता है कि स्कूल की में स्टेशनरी की जरूरत है तो वो भी आप खुद से क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, और फिर आप उसको बोल दोगे कि हमें अप्रॉक्सीमेट प्राइस लिस्ट दे दो। यहां पर जरूरी नहीं है आप प्राइस लिस्ट बोलो, आप सीधा बोल सकते हो इस लाइन में ऑर्डर में, क्योंकि आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो आप कह सकते हो कि वी हैव गोन थ्रू योर ऑर्डर, मतलब योर प्राइस लिस्ट ऑलरेडी एंड वी एक्सेप्ट दैट प्राइस लिस्ट। आप डिलीवरी बस टाइम पे कर देना, और पेमेंट आपको कब करेंगे, हम एंड में करेंगे एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, ऐसा करके आप उन्हें बोल सकते हो, ठीक है। चलिए, थैंक्स एंड रिगार्ड्स राकेश त्रिपाठी, एडमिन हेड हॉरिजॉन पब्लिक स्कूल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4A, द अफेक्टिवनेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। आपका रिटन कम्युनिकेशन कितना अफेक्टिव है वो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि आपका राइटिंग स्टाइल, जैसे कि आपकी ग्रामर कितनी सही है, उन सब चीजों पे, वोकैबुलरी कैसे यूज करते हो, तो वही है, द अफेक्टिवनेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन ग्रामर। सबसे पहले आपकी ग्रामर, आपका राइटिंग स्टाइल कैसा है और आपकी वोकैबुलरी कैसी है, ये सारे फैक्टर्स आपके डिटरमाइन करते हैं आपके रिटन कम्युनिकेशन को, कि आप कौन से वर्ड चूज करते हो, आप सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम करते हो, आप पैराग्राफ्स को कैसे डिवाइड करते हो, डायलॉग्स कैसे लिखते हो, और इसी से ही आपका रिटन कम्युनिकेशन अफेक्टिव हो पाता है। दिस इज अ टाइम कंज्यूमिंग, ये टाइम कंज्यूमिंग टास्क तो है, बट वन में राइट डिलीट एंड रीराइट बिफोर द फाइनल प्रोडक्ट इज रेडी। आप एक ही बारी में जरूरी नहीं है पूरा लिख दो, अगर आपको लगता है कुछ गलती हो रही है या यहां पर चेंजेस की जरूरत है तो वो भी आप इजिली कर सकते हो, वो भी आप इजिली कर सकते हो। नेक्स्ट आता है बेटा क्वेश्चन 4B, फर्स्ट, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। प्रिया सेड वी विल सिंग अ सॉन्ग, हम लोग गाना गाएंगे, तो प्रिया, यहां पर आप सेड की जगह टोल्ड कर दीजिए, ठीक है, प्रिया टोल्ड दैट दे वुड, विल का वुड हो जाएगा, सिंग अ सॉन्ग, दैट दे वुड सिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट आता है, क्योंकि हम एक ही रूल लेके चलेंगे, नेक्स्ट आता है द कार वाज रिपेयर्ड बाय आ, इसको हमें एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, द कार वाज रिपेयर्ड बाय अ 10-year-old child, 10-year-old child कार रिपेयर कर रखा है, फालतू की बातें हैं, बट कोई बात नहीं, अ 10-year-old child यहां से आ जाएगा आपका इधर, कार यहां से चली जाएगी इधर, ठीक है, ओके सर, और ये आपका वॉज हट जाएगा और ये आ जाएगा इधर। सो अ 10-year-old child रिपेयर्ड द कार, अ 10-year-old child रिपेयर्ड द कार, यानी एकदम बेसिक्स वाले कन्वर्जन्स पूछे गए हैं, जो बहुत ही बेसिक्स हमने स्टार्टिंग में करे थे वो वाले पूछे गए हैं। फार्मर्स हेल्ड अ प्रोटेस्ट इन द सिटी यस्टरडे, पैसिव में डालना है तो यस्टरडे को तो आप जानते ही हो प्रीवियस डे हो जाता है, यस और नो, टाइमिंग चेंज होती है, तो ये हो जाता है। प्रोटेस्ट कहां आ जाएगा, प्रोटेस्ट इधर आ गया, ठीक है। अब कई बच्चों को ये डाउट आता है कि सर इन द सिटी को आप प्रोटेस्ट के आगे लिखें या फार्मर्स के बाहर लिखें, ये कई बच्चों का डाउट आया था, इससे फर्क नहीं पड़ता,
अगर आप यहां पर भी लिख दोगे प्रोटेस्ट इन दिस सिटी वॉज हेल्ड बाय फार्मर्स द प्रीवियस डे, और या यहां भी रख दोगे, दोनों ही केस में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट आता है आर्टिकल। आर्टिकल के लिए बेटा आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हिंट्स दिए हुए हैं, हिंट्स देखो, हिंट्स से ट्राई करो लिखने का। जितना ज्यादा आप खुद से राइटिंग प्रैक्टिस करोगे आर्टिकल्स की, फॉर्मेट्स की, उतना ज्यादा आपका इंप्रूवमेंट होगा। मैं भले 10 आर्टिकल भी लिख दूं, उससे मेरी प्रैक्टिस होने वाली है, आपकी नहीं होने वाली। और एग्जाम में किसको लिखना है? आपको लिखना वाला है। आई होप आप ये बात समझते होंगे। सर मेरे से सर 250 वर्ड का नहीं लिखा जाता सर, मैं तो 50 वर्ड पे ही टाई टाई फिस हो जाता हूं। 50 वर्ड सर बहुत ज्यादा हो गए, सर बहुत ज्यादा कह दिए 50 भी। कई बार तो मैं टॉपिक की लाइन दोबारा लिख देता हूं, उसके बाद ही टाई टाई फिस हो जाता हूं। ऐसी बातें मत करो बेटा, एग्जाम पास है। ना ना ना, ऐसी बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। सर शोभा नहीं देती क्या है सर? अब वो हो रहा है तो हो रहा है सर। तो बेटा प्रैक्टिस करो, आप इसके पहले हिंट्स देखो, हिंट्स पढ़ने के बाद ट्राई करो। सर अगर एग्जाम में ऐसा कुछ आ गया जिसका हिंट भी नहीं वहां तो दिया होता तो फिर मैं क्या करूंगा? बेटा पहले कुछ आर्टिकल्स आप हिंट्स देखकर लिखते हो, उसके बाद के आर्टिकल्स आप बिना हिंट्स देखकर लिखते हो। दिस इज हाउ यू इंप्रूव। पहले आप हिंट्स देखकर इसलिए लिखते हो कि स्ट्रक्चर्स कैसे जाना चाहिए, ठीक है? और वहां पर आपको हिंट्स भी खुद ही सोचने पड़ते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। आप डाटा मत करो सर। अरे बेटा डांट कहां रहा हूं, बस बता रहा हूं। मैंने कभी तुम्हें डांटा है? कभी डांटा है गुरप्रीत सर ने? नहीं डांटा ना यार, तुम लोग भी ना यार। एक्सप्लेन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इन द लाइट ऑफ स्टेटमेंट। इंफॉर्मेशन कैन फ्लो फ्रॉम एनी सोर्स इन एनी डायरेक्शन। यानी ग्रेपवाइन की बात कर रहे हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में तो यस और नो? आप ये वाला इनफॉर्मल कम्युनिकेशन किससे करते हो? नॉर्मली अपने दोस्त, फैमिली, रिलेटिव, सोशल ग्रुप से करते हो? क्या ऑफिस में भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है? होता है, लेकिन हम उसे किस नाम से बुलाते हैं? ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन के नाम से बुलाते हैं। क्या उसमें हम पहले से सोच कर जाते हैं? द आंसर इज नो। उसमें तो स्पॉन्टेनियसली जो मन में आया बक दिया। तो वही बात यहां पर लिखी होगी कि फ्रेंडली होता है, अनऑफिशियल होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, एकदम से होता है। एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन विदाउट एनी रूल्स। कोई रूल नहीं, कोई प्रोसेस नहीं, कोई फॉर्मेलिटीज नहीं। ये कम्युनिकेशन नॉर्मली दोस्तों के बीच, फैमिली के बीच, नेबर्स के बीच और सोशल ग्रुप्स के बीच में होता है। यहां पर इंफॉर्मेशन जो है वो किसी भी सोर्स से किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। नेक्स्ट आता है सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग idiom और फ्रेज। Go down in flames. Go down in flames. I like. To get serious burn. Fail badly. To destroy the enemy. To accept one's fault. So, beta, go down in flame का मतलब होता है failed miserably. क्या मतलब होता है failed miserably? बहुत बुरी तरह से fail होना। मैं नहीं चाहता कि आप अपने सीए फाउंडेशन दिसंबर 23 में गो डाउन इन फ्लेम्स हो जाओ। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता, इसलिए मेहनत कर लो। तो यहां पर फेल्ड मिजरेबली में कौन सा आएगा? वैसे तो मिजरेबली होना चाहिए था, बट बैडली से भी काम चला लेते हैं, तो फेल बैडली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हेस्ट मेक्स वेस्ट, यानी इसको तो हम कई बार बोलते हैं जल्दी का काम शैतान का होता है। जल्दी का काम शैतान का होता है, यानी कोई भी चीज अगर आप जल्दबाजी में करते हो ना तो वो गलत हो जाती है। और एग्जाम में भी बेटा ऐसा मत करना कि बहुत ज्यादा जल्दबाजी में, खासकर अकाउंट्स के पेपर में और मैथ्स के पेपर में होता है ऐसा। अकाउंट्स के पेपर में बच्चा जल्दबाजी में फिगर वहां 5000 लिखा होता है, यहां कॉपी में लिखते हुए वो 50,000 हो जाती है। चलता जाता है, चलता जाता है, और जब तक वो गलती पता चलती है तब तक बहुत देर हो जाती है। तो जल्दी का काम, आपको एक एप्रोप्रिएट स्पीड मेंटेन करनी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपका फोकस कहीं और होना चाहिए। तो हेस्ट मेक्स वेस्ट में क्या आएगा? कीप अप विद द पेस, अलाउ अदर्स टू रूल यू, यूटिलाइज द वेस्ट इन अ गुड वे, या थिंग्स गो रॉन्ग इन हरी। तो जल्दी का काम शैतान का, यानी जल्दी में क्या हो जाती है बेटा? गलत काम हो जाते हैं, गलत काम हो जाते हैं। नेक्स्ट है बेटा चेंज द सेंटेंस इन टू पैसिव वॉय। द फास्ट मूविंग बाइक हिट दी पेवमेंट, तो पेवमेंट आगे आ जाएगा, फास्ट मूविंग बाइक पीछे चली जाएगी, बीच में आप बाय लगा दोगे। ये तो रूल है ना, रूल स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री। और यहां पर हिट का क्या हो जाएगा? वाज हिट, क्योंकि हिट की फॉर्म हिट ही रहती है, हिट की फॉर्म में अलग से कोई चेंज आता नहीं है। चलिए अब भी है क्या? और मुझे लगा खत्म हो गए। चूज द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेस, यानी सेनोनिम बताना है बेटा। बैरन, बैरन मतलब बंजर, बंजर तो बैरन लैंड के साथ यूज होता है नॉर्मली वर्ड बैरन लैंड, यानी बंजर जमीन। तो आपको बताइए बैरन मतलब ग्रीन लैंड, ब्रिलियंट लैंड, कॉशियस लैंड,
या अनफर्टाइल लैंड। बैरन लैंड मतलब बंजर जमीन जिस पर कुछ भी उगा नहीं सकते, तो यानी वो अनफर्टाइल लैंड है, उस पर कुछ भी उगने वाला नहीं है। ओके, फिर उसके बाद भाई एक रिपोर्ट आती है, ठीक है। रिपोर्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस वाली रिपोर्ट को प्लीज 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 एक बारी अच्छे से फॉर्मेट देख लो। नॉर्मली फॉर्मल रिपोर्ट एग्जाम में आती नहीं है, बट फिर भी इन केस अगर एक्सेप्शन हो गया तो इस वाले एमटीपी में जो फॉर्मेट दिया हुआ है बस उसको अच्छे से कर जाओ। एग्जाम में कोई भी टॉपिक आएगा उसी के हिसाब से लिखाना। नेक्स्ट बेटा, इसमें आपको मीटिंग का एजेंडा बनाना है। एजेंडा के लिए मैंने आपको फॉर्मेट बहुत ही इजी सिखाया हुआ है। टाइम, टॉपिक, अटेंडेंस, स्पीकर, ड्यूरेशन, यहां पर आपको शुरू करना होता है वेलकम मैसेज से, बीच में एक टी ब्रेक देना होता है, लास्ट में वेलकम हाउस करना होता है, ओपन हाउस करना होता है, और लास्ट में एक थैंक यू नोट देना होता है। इतना आपको याद रखना है। बीच के जो टॉपिक्स है वो आपको कहां मिल जाएंगे? बीच के टॉपिक्स आपको आपके इसमें से ही मिल जाएंगे, इसमें से ही मिल जाएंगे, ठीक है। ओके सर, तो यहां पर मेरे बच्चा मैं एमटीपी को करता हूं खत्म। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जो हमारा आरटीपी का वीडियो होने वाला है। वीडियो से पहले ही खुद से अटेम्प्ट करके देख लेना आरटीपी को भी, तभी डिस्कशन में मजा आएगा। खैर आरटीपी थोड़ा सा बड़ा है भाई सब, उसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो चलिए, टाटा बाय बाय।